आज हम मॉडल में बिल का प्रयोग देखेंगे। सेकंड तथा थर्ड पर्सन के साथ बिल का प्रयोग किया जाता है। अपन देखेंगे टू एक्सप्रेस सिंपल फ्यूचर यानी सामान्य भविष्य को दर्शाने के लिए अपन किस चीज का प्रयोग करते हैं, बिल का प्रयोग करते हैं। जैसे यहाँ पे फादर विल लीव फॉर दिल्ली टुमारो, इसका मतलब है पिताजी कल कहने दिल्ली के लिए रवाना होंगे, यानी क्या बता रहे, सामान्य भविष्य की अन भविष्य की ओर संकेत कर रहे हैं। यू विल सिंग अ सॉन्ग, आप क्या कंग गाओगे, तुम एक गीत गाओगे, आने भविष्य की ओर संकेत। इसी प्रकार है यू विल फ्लाई काइट से इन द इवनिंग, आप तुम शाम को क्या करोगे, पतंग उड़ाओगे, आने जो अभी समय है उससे आगे की बात होती है। तो जब क्या होता है सिंपल फ्यूचर होता है। अब यहाँ पे देखेंगे अपन टू एक्सप्रेस एन इनविटेशन या रिक्वेस्ट, अने प्रार्थना या आमंत्रण के लिए भी हम बिल का प्रयोग करते हैं। यहाँ जैसे देखकर लिखा है हेयर विल यू इज नॉट अ क्वेश्चन इन द ऑर्डिनरी सेंस। यहाँ पे क्या होता है कि जो अपन विल यू का प्रयोग करते हैं आगे जैसे यहाँ है, तो ये क्या है, प्रश्न नहीं है वर्ग, ये क्या है, रिक्वेस्ट है या निमंत्रण है। जैसे यहाँ पे देखेंगे विल यू टेक अ कप ऑफ टी, क्या है, इनविटेशन है, आमंत्रण है कि क्या आप एक कप चाय लेंगे। ये नहीं है कि पूछ नहीं रहे उसे, प्रश्न नहीं करे क्या, जब भी अपन किसी व्यक्ति से प्रश्न के रूप में नहीं है कहा जा सकता है कि चाय लेंगे, ये क्या है, एक इनविटेशन होता है, आमंत्रण करते हैं अपन कि आप एक चाय लेंगे, है ना। तो यहाँ पे विल यू टेक अ कप ऑफ टी। इसी प्रकार देखेंगे विल यू लेंड मी योर स्कूटर, ये क्या है, रिक्वेस्ट है, क्या आप अपना स्कूटर थोड़ी देर के लिए देंगे। देखो विल यू लेंड, लेंड का मतलब उधार देना, मी योर स्कूटर अरे अपना स्कूटर। तो यहाँ क्या है, बिल का प्रयोग क्या है, रिक्वेस्ट के लिए किया गया है, ना कि प्रश्न के रूप में। अब देखेंगे अपन टू एक्सप्रेस अ कमांड इन एन इनफॉर्मल या इम्पर्सनल मैनर, एक्सेप्टिंग दैट इट विल बी श्योरली ओबेड। ये क्या है, जब अपन फॉर्मल रूप में भी इसका प्रयास सभी को कमांड देने के लिए, निर्देश देने के लिए हम बिल का प्रयोग करते हैं और ये मानते हैं कि सभी इसका क्या करेंगे, पालन करेंगे। जैसे ऑल बॉयज विल रिपोर्ट फॉर मेडिकल चेकअप, आने देखो सभी लड़के क्या है जो मेडिकल टेस्ट है के लिए क्या होंगे, उपस्थित होंगे। ऑल बॉयज विल रिपोर्ट आने आकर क्या हो जाए, किसी भी चीज की जानकारी देने के लिए बोलते हैं, रिपोर्ट फॉर मेडिकल चेकअप। इसी प्रकार यहाँ पर देखेंगे यू विल नॉट लीव द क्लास बिफोर कम्प्लीटिंग योर होमवर्क, आने आप क्या है कक्षा को नहीं छोड़ सकते जब तक आप अपना होमवर्क क्या नहीं कर लेते हैं, पूरा कर लेते हैं। सेड द टीचर, किसने कहा, शिक्षक ने कहा। तो इसमें क्या है, कमांड है, कैसी है, सभी के लाने है। तब जब हमको सभी के लाने के साथ निर्देशित करना हो तो हम बिल का प्रयोग करते हैं। अब यहाँ पे देखेंगे टू एक्सप्रेस समथिंग दैट हैपन्स अगेन एंड अगेन एंड इज लाइकली टू अक्यूर, क्या होता है, जब कोई क्रिया बार बार घटित होती है तब हम उसको प्रदर्शित करने के लिए बिल का प्रयोग करते हैं। जैसे द ओल्ड बैगर विल सिट इन द पार्क एंड सिंगिंग सॉन्ग्स, तो यहाँ पे देखो बूढ़ा भिखारी पार्क में बैठेगा वो गीत गाएगा, इसका मतलब ये नहीं कि, इसका मतलब ये है कि वो रोज रोज आता है यहाँ बैठता है और फिर गाना गाता है। तो ठीक है, इसी प्रकार देखें गोपाल विल गो टू द क्लब एंड डिस्कस पॉलिटिक्स, क्या है, तो ये भी क्या है उसकी रोज की रूटीन है कि गोपाल कहाँ जाता है, क्लब को जाता है और पॉलिटिक्स के बारे में क्या है बातचीत करता है, राजनीति के बारे में। इसी प्रकार देखें सम पर्सन विल वॉक इन द मिडिल ऑफ द रोड, सब लोग सड़क के मध्य में चलेंगे, सम आने सम पर्सन विल वॉक इन द मिडिल ऑफ द रोड, यहाँ सम की मतलब कुछ,
है ना, सम पर्सन, लेकिन कमांड क्या है, सभी के लिए दी गई है। अब देख लें, टू एक्सप्रेस क्वांटिटी या कैपेसिटी, मात्रा या क्षमता को प्रदर्शित करने के लिए हम किस चीज का प्रयोग करते हैं, बिल का प्रयोग करते हैं। यहाँ पर देखें, जैसे द बकेट विल होल्ड 5 liters ऑफ वाटर, तो यहाँ पर समझे द बकेट है जो बाल्टी विल होल्ड 5 liters ऑफ वाटर, यानी पानी के 5 लीटर को क्या करेगी, होल्ड होल्ड यानी कैच करना है, पकड़ना है ना। तो यहाँ पे इस पूरे का अर्थ हो जाता क्या है, उसकी क्षमता कितनी है बाल्टी की, 5 लीटर है, द बकेट विल होल्ड। इसी प्रकार क्या है, इस वर्ड के अनुसार सेंस बदला जाता है अपन, लेकिन उसकी क्षमता प्रदर्शित करता है। इसी प्रकार देखे अपन, 200% 200 व्यक्ति विल बी सीटेड इन दिस हॉल, यानी क्या होंगे, विल बी सीटेड यानी बैठ सकेंगे, तो ये क्या है, उसकी भी एक क्या है, कैपेसिटी बता रहे हैं। तो देखो 200 लोग इस हॉल में बैठेंगे, यानी उसकी क्षमता है। अब इसका आगे देखेंगे, टू एक्सप्रेस प्रेडिक्शन, प्रेडिक्शन का मतलब अनुमान व्यक्त करने के लिए भी हम क्या करते हैं, ये बिल का प्रयोग करते हैं। जैसे यहां देखें, इट इज टू हॉट, इट विल रेन, तो देखो क्या है, बहुत गर्मी है, टू हॉट है ना, गर्मी जितनी होनी चाहिए उससे भी ज्यादा है, टू हॉट गर्मी ज्यादा है, तो क्या है, इट विल रेन, तो क्या होगी, अनुमान है कि यदि ज्यादा गर्मी है तो वर्षा होगी। इसी प्रकार यू विल फॉल इल, आप क्या हो जाएंगे, बीमार पड़ जाएंगे, फॉल इल यानी बीमार, इफ क्या कंडीशन, यू ईट ऑल दैट, यदि ये सभी आप क्या करते हैं, ज्यादा खाते हैं, तो आप निश्चित है कि क्या हो जाओगे, बीमार पड़ जाओगे। तो ये क्या है, अनुमान व्यक्त करने के लिए अपन किस चीज का प्रयोग करते हैं, बिल का। अब देखें, एज मैन वर्ब, और एज मैन वर्ब आने इसका मतलब हम मुख्य क्रिया के रूप में भी बिल का प्रयोग करते हैं। जैसे गॉड विल्स सो, विल्स आने इच्छा है ना, और सो आने ऐसी, तो यहाँ क्या है, ईश्वरीय इच्छा ऐसी थी, तो ये क्या है, ये बिल का प्रयोग किस चीज के लिए किया गया है, मुख्य क्रिया के रूप में किया गया है, मैन वर्ब के रूप में, ना कि हेल्पिंग वर्ब के लिए। अब देखें आगे कि बिल विथ द फर्स्ट पर्सन इज यूज्ड, जब हम क्या करते हैं, अपन जानते हैं कि बिल का प्रयोग फर्स्ट पर्सन के साथ नहीं होता है, सेकेंड और थर्ड पर्सन के साथ होता है, लेकिन यदि बिल का प्रयोग फर्स्ट पर्सन के साथ होता है तो इसके कुछ कारण होते हैं। देखेंगे किस चीज के लिए, टू एक्सप्रेस विलिंगनेस, यानी स्वीकृति प्रकट करने के लिए, यदि हम किसी से स्वीकृति प्रकट करनी हो तो भी हम बिल का प्रयोग फर्स्ट पर्सन के साथ करेंगे। जैसे यहाँ आई शैल होना था, लेकिन क्या है, आई विल हेल्प यू एज फॉर एज पॉसिबल, एज फॉर एज यानी जहां तक पॉसिबल है, संभव होगा, मैं क्या करूंगा, मैं तुम्हारी मदद करूंगा, आई विल हेल्प यू, तो यहाँ क्या है, स्वीकृति प्रकट कर रहे हैं यानी अपना अपनी। यहाँ देखेंगे दूसरा, आई विल कैरी डेट बैग फॉर यू, मैं आपका बैग उठा लूंगा, तो यहाँ पे क्या है, स्वीकृति दे रही है कि हम ये आपका क्या काम कर देंगे, आई विल कैरी डेट बैग फॉर यू, तो यहाँ पे स्वीकृति प्रकट करने के लिए फर्स्ट पर्सन के साथ अपन किस चीज का प्रयोग करते हैं, बिल का प्रयोग करते हैं। अब देखेंगे, टू एक्सप्रेस इंटेंशन या प्रोमिस, इंटेंशन का मतलब इरादा, प्रोमिस का मतलब हो वचन, प्रकट करने के लिए भी अपन किस चीज का प्रयोग करते हैं, बिल का। आई विल गो होम टू सी माई फादर, मैं अपने पिता से मिलने घर जाऊंगा, तो यहाँ क्या है, इच्छा है प्रकट करते हैं, आई विल गो टू होम, मैं घर जाऊंगा टू सी माई फादर, यानी क्या हमारी इच्छा प्रकट करनी है, इसलिए हम बिल का प्रयोग कर रहे हैं। इसी प्रकार देखें, बी विल कम इन टाइम, हम क्या है, हम समय पर आ जाएंगे, तो एक फ्यूचर नहीं व्यक्त कर रहा है, यहाँ पे क्या है, उसकी इच्छा बता व्यक्त कर रहा है कि हम समय पर आ जाएंगे। टू एक्सप्रेस थ्रीट, यानी धमकी देना हो तब भी हम क्या किस चीज का प्रयोग करते हैं, बिल का प्रयोग करते हैं, आई विल किल यू, मैं तुम्हें मार डालूंगा, और बी विल टीच देम अ लेसन, हम उन्हें एक अच्छा पाठ पढ़ाएंगे, इसका मतलब ये है क्या, वो धमकी दे रहा है ना कि सिखाने के लिए कह रहा है।
यदि विल की जगह शैल का प्रयोग होता तो इसका मतलब है कि वो उसके लिए ने शिक्षा देगा कुछ अच्छी, लेकिन यहाँ पे कौन सी शिक्षा है, धमकी वाली। अब यहाँ पे देखें, टू एक्सप्रेस डिटर्मिनेशन, आना दृढ़ता प्रकट करने के लिए भी हम किस चीज का प्रयोग करते हैं, विल का प्रयोग किया। वी विल ले डाउन अवर लाइफ फॉर अवर कंट्री, तो हम अपने देश के लिए जान दे देंगे। वी विल ले डाउन अवर लाइफ, जान देने के लिए कहते हैं, किस लिए, फॉर अवर कंट्री, हमारे देश के लिए। आई विल नॉट टेक एग्ज, मैं अंडा नहीं लूंगा या मैं अंडे नहीं खाऊंगा। आई विल नॉट टेक एग्ज, आई एम स्ट्रिक्ट वेजिटेरियंस, मैं एक कैसा हूँ, दृढ़ शाकाहारी हूँ। लाइक करें, सब्सक्राइब करें। अब इसके बाद अपन सेल का प्रयोग करेंगे। थैंक यू।